डियर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन फॉर द सस्टेनेबल डिवेलपमेंट इन यूके एंड कीनिया हम इस वक्त ब्रिटिश काउंसिल का और यूके का जो रोल है कीनिया के अंदर प्री स्कूल स्टैब्लिश होने में हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज और जैसे कि आपको पता है कि इसी के अंदर हमें सेपरेट एक रूम इस्टेब्लिश करना पड़ता है उसके अंदर हमें रिसोर्सेज चाहिए उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मुख्तलिफ है उसके मुताबिक जो है रिसोर्स अब रिसोर्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा फनास चाहिए था अब इसको प्रॉब्लम को हल करने के लिए यूके ने कीनिया को जो गाइड किया उसके अंदर रिसाइकलिंग एंड री यूज़ ऑफ़ द रिसोर्सेज के ऊपर जो उन्होंने काम किया कि हमारे पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो हम पहले से जो मौजूद रिसोर्सेज हैं उनको हम दोबारा माइनर चेंजेस के साथ मॉडिफिकेशन के साथ हम उसको री कैसे कर सकते हैं? और री करके हम उससे जो सिग्निफिकेंट आउटपुट लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जी एक स्कूल है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश है हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि हम उसके अंदर ई का एक नया रूम बना सकें और इसी के रूम के अंदर जो है हम उसकी जो नीड है और उसकी जो पैडोगजीज की उसके अलावा टीचर्स की उसके अलावा बच्चों की ये तमाम उस उससे रिलेटेड ई ई से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है उसको हम नहीं पूरा कर सकते उसको हम क्या करेंगे उसी गिवन इन के अंदर एक रूम जो है उसको हम सेपरेट करके मुख्त कर देंगे ई e. के बच्चों के लिए हमने ऑलरेडी जो रिसोर्स मौजूद है हमने उसको इस्तेमाल किया दूसरे नंबर पे जो टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं पहले से उनमें से एक टीचर को सेपरेट करके उसको ट्रेनिंग दे दी जाएगी और ट्रेनिंग देने के बाद उसको वो पैटागाजी जो इसी की ज़रूरत है और वो स्किल्स और वो तमाम चीज़ें जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी जो टीचर वहाँ पे मौजूद है उन्हीं में से किसी एक टीचर्स को ट्रेनिंग दे दी जाएगी उसके बाद उस कमरे को बनाने के लिए उस क्लासरूम को स्टैब्लिश करने के लिए उसके अंदर जो प्ले ग्राउंड चाहिए बच्चों के खेलने के लिए कोई चीज़ चाहिए उसके अलावा और उनको जो है ना लर्निंग के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो भी हमने इस हवाले से यानी कि यूके ने जो उनको ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद जो उन्होंने रिसोर्स की एलोकेशन की बात की तो उसमें उनको ये बावर कराने की कोशिश की गई ये समझाने की कोशिश की कि ये जो आप, आपके पास रिसोर्स मौजूद हैं इनको आप जब री करेंगे तो आपको फिनांस इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होगा उसके लिए उन्होंने जो पार्टनरशिप बनी हुई थी उनकी यूके की और कीनिया के की अंदर उन्होंने इकोनॉमिकली भी सोशल भी और इन्वायरमेंटल भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था उसको सामने रखते हुए उस पार्टनरशिप के तहत उनको नंबर एक उनको गाइड किया नंबर दो उन रिसोर्स की एलोकेशन के लिए उनको गाइडलाइन प्रोवाइड की और नंबर दो री यूज़ कैसे करना है उसके बारे में उन्होंने गाइड किया अब इस सवाले से जो जितने भी उनके, के उनके जो है ना यूँ समझ लें कि उन्होंने जो मैत लिए या उन्होंने जो उसके लिए इस्तेमाल किया वो तमाम के तमाम जो है उसमें जो फ़िनांस इन्वॉल्व था और वो जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे वो मिनिमम हो गए हम ये नहीं कहते कि फाइनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी नहीं फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी लेकिन अगर आप अगर मैं उसको आपको एक मिसाल देना चाहूँ कि अगर एक ही जगह पे फॉर एग्जांपल एक स्कूल के अंदर नया कमरा बनाना पड़ता तो उसके लिए कितने फनानस चाहिए थे फिर टीचर को ट्रेन करना पड़ता तो हमें फ्रांस की जरूरत थी नए रिसोर्सेज वहाँ पे एलोकेट करने पड़ते तो हमें फ्रांस की जरूरत थी जबकि हमने वो ऑलरेडी जो स्कूल मौजूद था उसके जो रिसोर्सेज थे उनकी जो एलोकेशन है उसको शफल करके उसको मैनेज कर लिया और उस मैनेज करने से जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन थी वो किसी हद तक कीनिया की जो है बेहतर हो गई और यूके ने उनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी कि इसी पैरामीटर के ऊपर जो है ना आप जो बाकी स्कूल्स हैं उनको भी इस्टेब्लिश कर सकते